मॉर्निंग टू ऑल, आई एम रुपिंदर कौर, डिपार्टमेंट ऑफ होटल मैनेजमेंट, RPIIT कैंपस करनाल. टुडे माई टॉपिक इज द कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड इट्स टाइप. हिस्ट्री. द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स टू अंडरटेक. इन द अर्ली 16th सेंचुरी द फ्रेंच मैन हु ऑर्गेनाइज एंड लेड मिलिट्री एक्सपेडिशंस were referred to as an entrepreneur. After 17, the term was applied to another type of adventures, mainly civil engineering like constructions of road, etc. कि जो ये फ्रेंच हमारा सॉरी एंटरप्रेन्योर वर्ड है, ये फ्रेंच वर्ड से आया है एंटरप्रेन्योर से, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक. इन द 16th सेंचुरी ये वर्ड यूज़ किया जाता था मिलिट्री में. आफ्टर 17th ये वर्ड हमारा यूज़ कर हम करने लगे, मेनली हम सिविल इंजीनियरिंग के अंदर यूज़ करने लगे इन फ्रांस एंड कंस्ट्रक्शन के ऑफ रोड्स एट्सेट्रा. डेफिनेशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर. द एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक मैन हु ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट बाय इनोवेशंस. एंटरप्रेन्योर बाय द डेफिनेशन बाय द ई हैगन. इन्होंने कहा है कि एंटरप्रेन्योर एक वो पर्सन है जो अपने मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए इन्वेंशन करता है. गैलब्रेथ के अकॉर्डिंग पीपल आर पुअर बिकॉज दे प्रेफर इन द वे. एन एंटरप्रेन्योर मस्ट एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड शुड बी विलिंग हार्ड टू अचीव द समथिंग. कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है विलिंगली और उसे अपने अपने जो मोटिव्स हैं उन्हें अचीव करते हैं, जो उसके हार्ड मोटिव्स हैं उन्हें अचीव करते हैं. Characteristics of an entrepreneur. Can first calculate the risk taker. Number 2, innovators. Number 3, organizer. Number 4 is creative. Number 5, achievement motivated. Number 6, technical competent. Number 7, self confident. Number 8, socially responsible. Number 9, optimistic. And number 10, equipped with capability to ड्राइव. एक एंटरप्रेन्योर्स के अंदर ये सभी क्वालिटीज़ होती हैं, ये सभी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो एक एंटरप्रेन्योर को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. वो रिस्क टेकर है, वो एक इनोवेटर है, ऑर्गेनाइज करता है अपनी टीम को, अपनी टीम के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ सोचता है, अचीवमेंट्स के लिए मोटिवेट करता है, टेक्निकल कॉम्पिटिटेंट है, उसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए उसके अंदर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए वो, इक्विप्ड विद कैपेबिलिटी टू ड्राइव, और उसके पास सभी वो इक्विपमेंट्स होने चाहिए जिसके थ्रू वो अपने एंटरप्रेन्योरशिप को चला सके. दीज आर सम करैक्टरिस्टिक्स. ब्लेस्ड विद मेंटल एबिलिटी. नेक्स्ट ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी, कम्युनिकेशन एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, बिजनेस प्लानिंग, अवेंचर कैपिटलिस्ट, विजनरी. एंटरप्रेन्योर मेक सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस. एबिलिटी टू सपोर्ट एंड एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज. करेज टू फैक्टर एडवर्टाइजेस. लीडरशिप. दीज आर द ऑल्सो सम करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए एंटरप्रेन्योर. नाउ टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस. कि उनका बिजनेस किस तरीके का है. आप कोई भी एंटरप्रेन्योर हैं, आप कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आप किस तरीके का स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं आप. बिजनेस एंटरप्रेन्योर के साथ साथ आप ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर हैं, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर हैं, कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर हैं, या एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर हैं. दीज आर द टाइप ऑफ द बिजनेस. ये आपके बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है. नाउ फर्स्टली आई हैव डिस्कस बिजनेस एंटरप्रेन्योर. बिजनेस एंटरप्रेन्योर आर द दूज एंटरप्रेन्योर्स हु कंसीव द आइडिया ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड देन ट्रांसलेट देयर आइडिया इनटू द रियलिटी. Trading entrepreneur, as a very name indicated, trading entrepreneur is concerned with the trading activities and not the manufacturing. Number 3, industrial entrepreneur, as the very name indicate, an industrial entrepreneur is one who set up the industrial unit. Number 4, corporate entrepreneur. Corporate entrepreneur is one of the who plans, develops and manages a corporate body. Next, agriculture entrepreneur. Agriculture entrepreneur is the one who is engaged in the agriculture activities. According to the motivation,
प्योर एंटरप्रेन्योर एंड इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर. प्योर एंटरप्रेन्योर मीन्स वन हु मे और मे नॉट पोसेस एन एप्टीट्यूड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप बट इज टेम्प्टेड बाय द मॉनेटरी रिवार्ड और प्रॉफिट टू बी अर्न फ्रॉम द बिजनेस वेंचर्स. नंबर टू इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर. इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर इज अट्रैक्टेड बाय द वेरियस इंसेंटिव सब्सिडीज एंड फैसिलिटीज ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट. दूसरा हमारा है मोटिवेशन के अकॉर्डिंग कि आप ये एक ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं कि आप मोटिवेशन के अकॉर्डिंग आप अपना बिजनेस चला रहे हैं. जैसे कि आपने इसीलिए ये बिज़नेस स्टार्ट किया क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ही इजी हैं. आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. आपको सब्सिडीज़ मिल जाती हैं, कई तरह के इंसेंटिव्स आपको गवर्नमेंट दे रही है. तो इसीलिए आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आए अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन. या आपको लगता है कि ये बिज़नेस करने से मुझे ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा तो आपका एंटरप्रेन्योरशिप का मोटिव रहेगा कि आपने प्रॉफिट के लिए उसे सिलेक्ट किया है. दैट इज़ द अकॉर्डिंग टू द मोटिवेशन. दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द एंटरप्रेन्योर. नंबर थ्री अकॉर्डिंग टू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्निकल एंटरप्रेन्योर, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर या प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर. टेक्निकल एंटरप्रेन्योर द स्ट्रेंथ ऑफ अ टेक्निकल एंटरप्रेन्योर इन हिज स्किल इन प्रोडक्शन टेक्निक्स. ही कंसंट्रेट मोर ऑन प्रोडक्शन देन द मार्केटिंग. नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर मीन्स अनलाइक टेक्निकल प्रेन्योर, नॉन टेक्निकल एंटरप्रेन्योर इज नॉट कंसर्न विद द टेक्निक एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट रैदर देन ही स्पेंड मोर टाइम इन द डिवेल्पिंग अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी ऑफ द मार्केट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रमोट हिज बिजनेस. नंबर थ्री प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर. प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर मीन्स एन एंटरप्रेन्योर हु इज इंटरेस्टेड इन फ्लोटिंग अ बिजनेस बट डज नॉट वॉन्ट टू मैनेज और ऑपरेट इट अकॉर्डिंग टू स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर. फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर आर दूज एंटरप्रेन्योर हु डू नॉट पोसेस एनी एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड. कि आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, आप पहली बार आपने ये बिज़नेस स्टार्ट किया है अपनी फैमिली में से, अपने फ्रेंड सर्कल में से. नंबर टू सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर. सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर आर दूज एंटरप्रेन्योर हु इनहेरिट द फैमिली बिजनेस फॉर्म एंड पास इट वन जनरेशन टू अनदर. कि आपकी पहले जनरेशन जो आपकी लास्ट जनरेशन थे आपके फादर वो ये बिज़नेस करते थे तो उसके बाद आप भी इस बिज़नेस में आ गए. दैट इज़ यू आर कॉलिंग सेकेंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर. क्लासिकल एंटरप्रेन्योर मीन्स stereotype entrepreneur whose aim is to maximize his economic return at the level consistent with the survival of the unit but with or without element of growth. According to capital ownership private entrepreneur when an individual or a group of individuals set up an enterprise arrange the finance bear the risk and adopt the latest techniques in the business with the intention to earn profit. He or the group is called as private entrepreneur or entrepreneurs. Number two, state entrepreneur. As the name indicated, state entrepreneur means the trading or industrial venture undertaken by the state or the government itself. Number three, joint entrepreneur. Joint entrepreneur means the combination of the private entrepreneur and the state entrepreneurs who join the heads. ये डिपेंड करता है कि आपने कैपिटल कैसी लगाई है, उसमें पैसा आपने किस बेसिस पे लगाया है. आपका पर्सनल है, आपका स्टेट है या आपका ज्वाइंट वेंचर है. कि आपने अपनी तरफ से सारा पैसा लगाया है या आपने कुछ पैसा अपनी तरफ से लगाया और कुछ आपने गवर्नमेंट से हेल्प ली है. या ज्वाइंट वेंचर में आपका होगा कुछ आपका प्राइवेट है या कुछ आपने अपने पर्सनल लगाए हैं. ठीक है, सेकेंड में आपका आता है कि आपने गवर्नमेंट आपका फंड दे रही है उसके बेसिस पे आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है. नंबर सिक्स अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड द एज. मैन एंटरप्रेन्योर, वुमेन एंटरप्रेन्योर, यंग एंटरप्रेन्योर, ओल्ड एंटरप्रेन्योर एंड मिडल एज एंटरप्रेन्योर. ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं. आप अगर कोई मेल बिजनेस स्टार्ट करता है तो दैट इज़ कॉलिंग मैन एंटरप्रेन्योर. अगर किसी वुमेन के बेस ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है दैट इज़ वी आर कॉलिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर. और अगर किसी यंग पर्सन ने, यंग जो आजकल के बच्चे हैं उन्होंने किसी ने करा है कि आपकी यंग एज है, मतलब कि 18 to 35 दैट इज कॉलिंग द यंग एंटरप्रेन्योर. ओल्ड एंटरप्रेन्योर आपने आफ्टर रिटायरमेंट या मिड ऑफ द एज आपने डिसाइड करा है अपना एज के अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए. जैसे कि हमारे सीनियर सिटीजन है वो आफ्टर रिटायरमेंट या
फ्री घर पे बैठे हैं, तो वो सोचते हैं अब हमें कुछ करना चाहिए, तो उन्होंने कोई बैठे बैठे अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया घर पर बैठे, दैट इज़ वी आर कॉलिंग ओल्ड एंटरप्रेन्योर, और मिड एज एंटरप्रेन्योर इज द लास्ट। सेवेंथ इज अकॉर्डिंग टू द एरिया, आपने कौन से एरिया में स्टार्ट किया है, आपने अर्बन एंटरप्रेन्योर हैं या आप रूरल एंटरप्रेन्योर हैं, आपने किसी मतलब शहर से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है या आपने किसी रूरल एरिया से एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की है। अकॉर्डिंग टू द स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर, स्मॉल स्केल एंड टीनी इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर, ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्केल पर शुरू करा। आपने एक छोटा सा गली में या अपने आसपास लोकल कोई शॉप ओपन की है, या आपने कोई उससे बड़े स्मॉल स्केल पर आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, या आपने किसी मीडियम स्केल पे बिजनेस स्टार्ट किया है, या आपने बहुत ही लार्ज स्केल पर अपना कोई शोरूम स्टार्ट किया है, ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट किया है, कौन से स्केल पर आपने स्टार्ट किया है। थैंक यू।